नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। भारतीय जाट मंच ने शोक संवेदना करने पहुंचे मृतक आशु यादव पत्रकार के निवास पर। भारतीय जाट मंच के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, आग के मुख्य आरोपी दीपिका शुक्ला व अमित गुप्ता, जो कि पुलिस की धरपकड़ से जो कि अभी फरार हैं, तथा उत्तर प्रदेश शासन व केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि आशु यादव के मुख्य आरोपी उसके लूट के सामान सहित पकड़े जाए, तथा उनकी पत्नी तथा बूढ़ी माँ दो मासूम बच्चों को देखते हुए सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए, तथा मृतक आशु यादव पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके पर भारतीय जाट मंच के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा, अखिलेश नाथ साहू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आदित्य साहू प्रदेश महामंत्री, राहुल त्रिवेदी राष्ट्रीय सचिव, विकास त्रिपाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व सांसद प्रत्याशी आदि लोग मौजूद रहे। आप लोग कहाँ पे हैं? हम लोग अमर स्तंभ के पत्रकार आशु यादव के घर पे हैं। आप तो सहपुर से आशु यादव जी का लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम लोगों ने उनको ढूंढने का प्रयास किया। तो बीता कुछ दिनों पूर्व सीटीआई चौराहे में पत्रकार बंधु आशु यादव जी का अपनी ही गाड़ी पे शव बरामद हुआ था, जिसको लेकर आज हम उनके परिवार के बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारी उत्तर प्रदेश शासन से, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि हमारे पत्रकारों की ऐसी हत्याओं पर शीतलता कसे, और जो पत्रकार भाई की हत्या हो रही है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनका परिवार बेसहारा रूप से है। इसे शासन प्रशासन उन तो आर्थिक सहयोग करे, उनके परिवार तो उनकी पत्नी तो नौकरी प्रदान की जाए, साथ में जो दोषी हों उन पे उचित कार्रवाई हो। दोषी तो हम तब पहचान पाएंगे जब हमारे आशु भाई के पास जो सामान था वो बरामद किया जाए। अभी दो आरोपी पकड़े गए, लेकिन दो मुख्य आरोपी अभी पकड़ से दूर है। इस संबंध प्रशासन से आपका क्या कहना है, हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा प्रशासन कहना है, जल्द ही दोनों आरोपी तो पकड़ कर पूरी सच की कार्रवाई की जाए और सामान का बरामद किया जाए, जिससे कन्फर्म हो सके आरोपी वही है। केस तो धुमरा करके दूसरे आरोपी न बनाए जाए, उन्हीं जो वर्जन आरोपी है उन्हें सजा दी जाए। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।